दोस्तों, मेरा नाम है कंगना रनौत और आज मैं आ गई हूँ सफाई देने के लिए ऋतिक रोशन ने जो मेरे साथ किया था। दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, आज मैं करूँगी प्रूव इस बात को। दोस्तों, मेरे कपड़े पे मत जाइएगा। ऋतिक, ऋतिक, तुमने पुलिस को भी खरीद लिया। तुम इस घटिया घिनौनी का रखत पर कैसे उतर सकते हो? ऋतिक, ऋतिक, मुझे भी चीट को डालना पड़ेगा। ऋतिक, अबे ये क्यों चिल्ला रही है? तुम क्यों चिल्ला रही हो मर्दूत डाइन? तुम काहे चिल्ला रही हो? ऋतिक कुमार, तुम काहे चिल्ला रही हो? तुम मार भी नहीं रहे तब भी चिल्ला रही हो। और कौन मरना चाहता है? एक तो ऋतिक ने मेरे साथ ऐसा किया और ऊपर से तुम लोग भी मेरे साथ मेरा बुरा चाहते हो। प्लीज मुझे मत मारो। हेलीकॉप्टर्स क्यों आ रहे हैं? मेरे नंगे बदन पे गोली बहुत तेज लगती है। ओ, तो मेरा खुलासा हो रहा है, मुझे चीट को डालना होगा फिर से। ये मैं वापस आ गई। दादी माँ, आप बूढ़ी क्यों है दादी माँ? ये इतने हरामी है ना साले, इतने हरामी है, मेरी बंदूक छीन लेते हैं। मैं बंदूक काहे यूज करूंगी? ये सारा गुस्सा ऋतिक की वजह से। उसको गिरफ्तार करो, मुझे मत करो पुलिस वालों, मुझे मत करो। क्या था यार, चीट कोड भूल कैसे जा सकता हूँ यार मैं? लीव मी अलोन। ये पढ़ाई कर करके मैंने जब से एजुकेशन चैनल खोला तब से मैं सब चीट कोड भूल गया। ओ माय गॉड, नंगे बदन पे मारते हुए शर्म नहीं आती तुमको? करप्ट पुलिस वाले लीव मी अलोन लिखने पर मजबूर करते हैं। हाँ नहीं तो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भैया बाइक दे दो, भैया अल्लाह के नाम पे दे दो बाइक। कहाँ आ जाते हो तुम, कहाँ कहाँ से? लीव मी अलोन, कितना लीव मी अलोन लिखवाओगे? अरे अरे, अब काहे पीछे पड़ गए, काहे पीछे पड़ गए रे? एस्पिराइन लिखना पड़ेगा बे। क्यों आज गया है ऋतिक मुझसे दूर? मर गई मैं काहे हुई गिरफ्तार? चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर तो नहीं तो हो जाएगा मर के पार। क्यों थपता? गाड़ी में बज रहा था गाना, मैं नहीं गा रहा था, ठीक है ना? फायर, ऋतिक है फ्रॉड, मेरे साथ उसने किया बहुत गलत। फायर, मैं कहानी पावर ही हो गई। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बुरी हूँ तो मैं आज प्रूफ कर देती हूँ। ये देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं बुरी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ऋतिक, तुमने मेरी गाड़ी में बम रखा था। तुम बहुत कुत्ते कमीने हरामखोर हो। एज रिस्ट्रिक्ट मत करना वीडियो प्लीज़ यूट्यूब, प्लीज़ मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना।